तो आज देख रहे हैं हमारा जो टॉपिक है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का इंसर्ट में सिंबल्स। अब सिंबल्स क्या होते हैं? सिंबल्स आर द यूनिवर्सल लैंग्वेज। ठीक है, यूनिवर्सल लैंग्वेज मतलब इशारों की जबान को हम क्या कहते हैं? सिंबल्स कहते हैं। तो हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के सिंबल्स होते हैं। अगर हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की बात करें तो यहाँ हम टाइटल कर लेते हैं, इसको सेंटर कर लेते हैं और ये इस तरह से हमें नजर आ रहा है। तो सिंबल्स के हवाले से देखा जाए तो सिंबल्स क्या होते हैं? सिंबल्स आर द टेक्स्ट विथ डिफरेंट शेप। तो ये जो या डिफरेंट की जगह कर देते हैं, इन इन डिफरेंट शेप कर देते हैं, इन डिफरेंट शेप। तो सिंबल्स भी टेक्स्ट होते हैं और वो मुख्तलिफ अशकाल के होते हैं, उनमें मुख्तलिफ शक्लें के हो सकते हैं। और उनको हम कहाँ से लेते हैं? जैसे अगर कॉमन सिंबल्स की बात करें जो हमारे कीबोर्ड के ऊपर होते हैं कॉमन सिंबल्स, तो उनमें देखें ये सबसे पहला आ गया, ये साइन जो है टिल्डा साइन है। फिर उसके नीचे आते हैं साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, एट द रेट, बफर, डॉलर, परसेंट, कैरेट एंड स्टारिक, राउंड ब्रैकेट, स्टार्ट एंड ओवर। फिर उसके बाद है माइनस, अंडर स्कोर, इक्वल, प्लस, और इसके बाद चलते हैं स्क्वायर ब्रैकेट, स्टार्ट एंड ओवर, कर्ली ब्रेसेस, स्टार्ट एंड ओवर। फिर उसके बाद आ जाए यहाँ पे सेमी कॉलन, कॉलन, फिर उसके बाद आ जाए सिंगल कोट, डबल कोट, फिर आ जाए कॉमा, लेस देन, फिर फुल स्टॉप, फिर ग्रेटर ग्रेटर देन, फॉरवर्ड स्लैश, क्वेश्चन मार्क, बैक स्लैश। तो ये सारे सिंबल्स तो हमारे पास ऑलरेडी कीबोर्ड पर होते हैं। अब अगर इनसे ज़्यादा एडवांस सिंबल्स की बात करें तो वो हमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मिल जाते हैं। और वो कहाँ मिल रहे होते हैं? वो यहाँ मिल रहे होते हैं। ठीक है, अगर कॉमन सिंबल्स से हटे तो यहाँ पर देखिए आ जाए, इंसर्ट में जाएंगे और यहाँ क्लिक करेंगे सिंबल्स पर। यहाँ पे कुछ सिंबल्स नज़र आ रहे हैं जो मैंने पहले रिसेंट यूज कर लिए हैं। उसके बाद यहाँ से हम चले जाते हैं मोर सिंबल्स में। तो मोर सिंबल्स में आने के बाद हमने यहाँ पे देखा कि हमारे पास जो है यहाँ पर मुख्तलिफ फॉन्ट्स हैं जो सिंबल्स को डील करते हैं, जिसमें सरे फहरिस्त है। एक फॉन्ट है जिसका नाम है वेबडिंग, वेबडिंग्स। वेबडिंग्स के अंदर कुछ सिंबल्स हैं, मैं इनको थोड़ा सा मैग्नीफाई करता हूँ ताकि आपको ज़रा क्लियर नज़र आए। तो ये फॉन्ट ही ऐसा है जिसके अंदर सिंबल्स मौजूद है, मतलब मुख्तलिफ सिंबल आपको यहाँ पे नजर आएंगे। क्लाउड का सिंबल है, एयर है, नो एयर है, आई है, प्लैनेट है, नेट है, स्पाइडर है, कप है। ये डिफरेंट किस्म के सिंबल्स आपको यहाँ पे बहुत सारे मिलेंगे। फॉन्ट का नाम नोट कर लें, वेबडिंग्स। दूसरा जो फॉन्ट है हमारे पास जिसके अंदर सिंबल मिलेंगे वो है विंगडिंग्स। विंगडिंग्स में भी बहुत सारे किस्म के सिंबल है, विंडो का सिंबल है, चेक बॉक्सेज हैं, क्रॉस बॉक्सेज हैं, टिक का निशान है, क्रॉस है, ये सारे सिंबल आपको मिलने वाले हैं इसके अंदर, देख लें आप इसके अंदर। ठीक है, रिंग है, बेल है, बजर है, ये मुख्तलिफ सिंबल्स हैं। उसके बाद विंगडिंग्स टू में चले जाएंगे तो यहाँ भी बहुत सारे सिंबल्स आपको मिल जाने वाले हैं। ये सारे फॉन्ट्स सिंबल को ही डील कर रहे होते हैं। वेंडिंग थ्री में भी और आपको किस्म के एरोज मिल जाएंगे, राउंडेड एरो मिल जाएंगे, रोटेशंस मिल जाएंगे, बैंड्स मिल जाएंगे। तो यहाँ पे डिफरेंट और सिंबल्स आपको मिल जाएंगे। अगर आपको मिसाल के तौर एक चेक बॉक्स चाहिए तो वो आपको विंडिंग्स प्रोवाइड कर ही रहा होता है। विंडिंग्स में चले जाएं, यहाँ पर आएंगे, चेक बॉक्स विद टिक मिल जाएगा, इंसर्ट कराएंगे, वो ये आपके डॉक्यूमेंट में यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ठीक है, अगर ब्लैंक बॉक्स चाहिए ब्लैंक बॉक्स मिल जाएगा, स्मॉल ब्लैंक बॉक्स, 3D वाला चाहिए तो 3D मिल जाएगा। ये बाइक का सिंबल चाहिए बाइक का सिंबल मिल जाएगा, क्रॉस चाहिए क्रॉस मिल जाएगा, क्रॉस साइन चाहिए वो सिंबल, इस पर क्लिक करेंगे वो ऐड हो जाएगा। तो जो जो सिंबल्स आपको रिक्वायर्ड है वो यहाँ आपको मिल जाते हैं। ठीक है, ये सारे सिंबल्स के फॉन्ट्स हैं जो मैंने आपको बताया, विंगडिंग्स, वेबडिंग्स, विंगडिंग्स 1, 2, 3, और इनमें काफ़ी सारे सिंबल्स आपको मिल जाते हैं। बाकी में भी आप चेक कर लीजिएगा कौन सा सिंबल क्या है। अब एक सिंबल को अगर बार बार यूज़ करना है तो उसका शॉर्ट की भी बना सकते हैं। लेट सपोज इस सिंबल को बार बार यूज़ करना है, या इस सिंबल को बार बार यूज़ करना है, या इस सिंबल को मुझे बार बार यूज़ करना है, तो इसका एक शॉर्ट की बनाएंगे। शॉर्ट की पे क्लिक करेंगे, कंट्रोल के बटन के साथ कोई भी एक बटन चूज़ कर लें, नंबर, कंट्रोल को होल्ड करेंगे, ऊपर वाली लाइन में कोई भी एक नंबर ले लें, वो उसकी शॉर्ट की असाइन हो जाएगा। जैसे असाइन करेंगे, ओके करेंगे, क्लोज करेंगे, क्लोज करेंगे, जब भी ये सिंबल आपको डॉक्यूमेंट में रिक्वायर्ड है, कंट्रोल के साथ उस बटन को दबाएंगे और वो सिंबल आपके पास एक्टिवेट हो जाएगा। इफ यू कंटिन्यूसली प्रेस दिस बटन, तो ये कंटिन्यूसली सिंबल को आपके सामने प्रोड्यूस करता रहेगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो सिंबल्स हमारे सामने आ गए हैं इनको हम डील क्या कर सकते हैं? देखेंगे टेक्स्ट ही है, जैसे ये टेक्स्ट है वैसे ये टेक्स्ट है, तो इनके लिए आप क्या कर सकते हैं? होम में चले जाएं, इनका फॉन्ट साइज बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, इनके कलर्स को चेंज कर सकते हैं, जैसे फॉन्ट्स में कर रहे होते हैं, सिमिलरली आप इसके अंदर भी कर सकते हैं। इसके अलावा इनको बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हैं, क्योंकि ये फॉन्ट ही है जिनको आप इस तरह से डील कर सकते हैं। अब किसी सिंबल को पिक्चर में कैसे कन्वर्ट करेंगे? ये भी टेक्स्ट है, इसको पिक्चर में कैसे कन्वर्ट करेंगे? सेलेक्ट करेंगे, इसको कॉपी करेंगे यहाँ से, और कॉपी करने के बाद जब हम इसको पेस्ट करेंगे, मैं इसको थोड़ा मैग्नीफाई को ऑफ कर देता हूँ अपने, तो पेस्ट करने से पहले हम क्या करेंगे, एक जगह सेट करेंगे अपनी जहाँ पे हम इसको पेस्ट करना चाह रहे हैं। तो कर्सर की पोजिशन को सेट करेंगे, पेस्ट के ऊपर नीचे क्लिक करेंगे और यहाँ एक ऑप्शन मिलने वाला है जिसका नाम है पेस्ट पिक्चर, पिक्चर पेस्ट करेंगे तो यहाँ पे एज अ पिक्चर के तौर पर पेस्ट हो जाएगा। अब इसका जो कैनवेस है वो इतना बड़ा है, इन कैनवेस को कम करने के लिए हम फॉर्मेट के मेन्यू में जाएंगे, यहाँ पे जाने के बाद हम यहाँ से करेंगे क्रॉप,
क्रॉप करके जो एक्स्ट्रा एरिया है इस पिक्चर का, यहाँ से इसको कर देंगे रिमूव, और फिर यहाँ से क्लिक करके इस तरह से थोड़ा सा इस तरह से भी इसको कर देंगे कम। तो ये देखिए क्लिक करने में यहाँ पे ये हो गया आपका पिक्चर का क्रॉप, और उसके बाद इसको पकड़ के पिक्चर को इस तरह से जितना आप बड़ा चाहें कर सकते हैं। ये आ रहा टेक्स्ट ट्रैप, जिसके बाद इसको जिधर चाहे मूव कर सकते हैं और टेक्स्ट के साथ इसकी पोजीशन को भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो इस तरह आप किसी भी सिंबल को कन्वर्ट कर सकते हैं किसके अंदर, पिक्चर के अंदर, टेक्स्ट है पिक्चर में आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये थे सिंबल जो हम इस पे यूज कर सकते हैं, डिफरेंट किस्म के सिंबल्स हैं। कोई भी आपको साइन शो करना है तो यहाँ पर थोड़ा एक्सप्लोर करना है, फिर आपको सिंबल मिल जाएगा। अब एक दूसरा तरीका, ये तो था इसका जो हम कह सकते हैं लेगेसी वे, लेगेसी का मतलब होता है देसी तरीका जो इसके साथ हो रहा होता है। अब थोड़ा एडवांस तरीका देख लेते हैं। अब मुझे तो ये वाले सिंबल नहीं पसंद आ रहे, मुझे कोई अपनी मर्जी का और नया सिंबल चाहिए, तो इसके लिए फिर हम चले जाएंगे, यहाँ से खोल लेते हैं माइक्रोसॉफ्ट एज को या गूगल क्रोम, और यहाँ से एक वेबसाइट सर्च करेंगे जिसका नाम है google.com, और यहाँ पे क्लिक करके हम यहाँ से गूगल पे आ जाएंगे और यहाँ लिखेंगे फ्री सिंबल्स, फ्री ऑनलाइन सिंबल्स, फ्री ऑनलाइन सिंबल्स, यहाँ पे लिख के एंटर करेंगे और ये हमारे पास आ जाएंगे सिंबल्स एंड आइकन्स। फ्लैटिकॉन एक वेबसाइट है लेकिन ये कमर्शियल होगी मेरा ख्याल है, देख लेते हैं इसके अंदर। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे सिंबल्स और आइकन्स मिलने वाले हैं, कुछ वेबसाइट फ्री होती हैं, कुछ वेबसाइट पेड होती हैं, ये तो थोड़ा देखना पड़ेगा कि कौन सी वेबसाइट फ्री है कौन सी पेड है। देखिए इसके अंदर कितने सारे सिंबल है, आपको ये सिंबल चाहिए तो इसको यूज कर सकते हैं, और खुल रही है वेबसाइट टाइम लगेगा इसके अंदर, थोड़ा सा डॉलर का सिंबल चाहिए इसमें, थोड़े और मजीद एडवांस सिंबल है, पर ये पिक्चर्स की शेप में ही है जिसको आप इंटरनेट की मदद से डाउनलोड कर सकते हो। जैसे ये वाला हर किसी को चाहिए तो हम इस पर क्लिक कर देते हैं डॉलर के सिंबल के ऊपर, तो ये हमारे पास डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा आई थिंक सो, अगर कोई फ्री पैसे वैसे इसके नहीं है तो। SVG में ले लेते हैं चलो। तो देखिए इसने पैसे मांग लिए, कह रहा है 2249 रुपये पर मंथ के हिसाब से, फिर जो चाहे कर सकते हैं। तो ये तो भाई फ्री वाले हमारे काम में नहीं आए, फ्री ऑनलाइन सिंबल्स डाउनलोड, ठीक है यहाँ लिख देते हैं, icon@.com है, फ्री पिक है इसके ऊपर देख लेते हैं कुछ पे, आइकन स्काउट, ये .com वाली जो वेबसाइट होती है तो फ्री होती ही नहीं है तकरीबन, द नाउन प्रोजेक्ट .com है इसको देख लेते हैं, इसमें भी सिंबल्स हैं काफ़ी सारे, रीसेट कर रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, रिलोड हो रहे हैं, तो यहाँ पे देखते हैं क्लिक करके के इसका कहीं फ्री व्री का तो ऑप्शन दिया हुआ नहीं है, ये क्लिक करते हैं क्या पता इसमें कोई डाउनलोड वाउनलोड दिया हुआ। तो कह रहा है भाई इसको डाउनलोड कर लें, तो हमने कहा ठीक है डाउनलोड करते हैं, तो कह रहा है फ्री में करोगे, हाँ भाई हम फ्री में करेंगे, तो फ्री पे क्लिक कर दिया, कह रहा है कि सारी चाहिए, मैंने कहा नहीं मुझे SVGA टाइप में चाहिए, क्लिक किया यहाँ से, तो देखें शायद ये मेहरबानी करें दे दे कुछ सिंबल्स, जब तक ये हो गया डाउनलोड बड़ी मेहरबानी इसकी, ओपन करेंगे यहाँ से, तो यहाँ पे ये आ गया फाइल। अब इसको कैसे करेंगे यूज़ वर्ड में, ये सोचने वाली बात है, तो मेरा ख्याल है कि इसको डायरेक्टली पुट करके देखता हूँ मैं यहाँ से, यहाँ से मैंने फाइल को पकड़ा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे लाया और यहाँ पे जाके छोड़ के देखते हैं, ये आ गया इसके अंदर सिंबल। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, वो ये है कि ये पिक्चर की सूरत में दे दिए इसने सारे एक साथ, अलग अलग नहीं दिए, फिर हमें इसमें बड़ी थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, जो सिंबल इसमें से चाहिए उसको ऐसे क्रॉप करके निकालना पड़ेगा, जैसे कि मिसाल के तौर पे हमें ये वाला सिंबल चाहिए या ये वाला चाहिए या ये वाला चाहिए, तो उसका वो हिस्सा सारा क्रॉप करना पड़ेगा, इसमें से ये ऐसे करके क्रॉप करेंगे और फिर यहाँ से क्रॉप करेंगे और फिर यहाँ से क्रॉप करेंगे और फिर यहाँ से क्रॉप करेंगे, ये लीजिए आपका सिंबल हो गया रेडी। एज अ पिक्चर बॉन्ड में क्लिक कर दें, अब ये रह गया, क्लिक कर दें इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर दें और यहाँ से इसको इजीली कहीं भी मूव कर सकते हैं, इसकी डुप्लीकेट करनी है कंट्रोल डी की मदद से, इसकी डुप्लीकेट जितनी बनाना चाहे बना लें, इस तरीके से आप इनको यूज कर सकते हैं, कंट्रोल डी टू क्रिएट डुप्लीकेट एनी शेप ऑफ एनी इमेज, तो ये चीज़ आप इसके अंदर कर सकते हैं। आप ये वेबसाइट्स पर थोड़ा देखना पड़ेगा कौन सी फ्री है कौन सी कैसी है, तो उसमें से हाँ इसमें जैसे अलग अलग दिए हुए हैं, जैसे इसमें से कोई सिंबल लेने की कोशिश करते हैं अगर ये दे दे हमें, तो लेट सपोज यही वाला सिंबल लेते हैं, क्लिक करते हैं ऑनलाइन आइकन पे, तो कह रहा है गेट दिस आइकन, तो मैंने कहा हाँ भाई ये चाहिए तो सही हमें, तो कोई इसके कह रहा है इंटरनेट मॉनिटर वेब कंप्यूटर ऑनलाइन, ठीक है भाई गेट दिस आइकन पे क्लिक करते हैं, तो भाई ये कह रहा है जीमेल के अकाउंट से लॉगिन हो जाओ, फिर वो जीमेल की आईडी लगा के लॉगिन होना पड़ेगा इसके अंदर, पासवर्ड वगैरह लगाना पड़ेगा इसके अंदर, हो रहा है कौन से अकाउंट से लॉगिन हो गया, मैंने कहा इस अकाउंट से हो रहा हूँ, पासवर्ड
टू स्टेप वेरिफिकेशन। ओके हो गया लॉगिन। अब देखते हैं दे रहा है या नहीं दे रहा है। क्या करते हैं, लॉगिन तो मैंने कर लिया अपने अकाउंट को, गेट दिस आइकन पे क्लिक करते हैं। कह रहा है कि भाई पैसे दे दो, उसके बगैर मैं नहीं दूंगा, तो फ्री में देख लेते हैं यहाँ पे कह रहा है तो। हाँ आ गया भाई, डाउनलोड PNG और SVG दोनों फॉर्मेट में देने के लिए तैयार हो गया है ये। तो मैंने कहा भाई SVG दे दो या PNG दे दो, PNG में ले लेते हैं हम इसके पास। ये इसने हमें भेज दिया यहाँ पे, ये आ गया नॉन ऑनलाइन आ गया। इसको पकड़ के हम अपने डॉक्यूमेंट में ऐड करा लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आ गए और यहाँ छोड़ दिया इसको। ये देखिए इतना बड़ा इसने हमें दे दिया है पिक्चर, इसको थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे यहाँ से इस तरह से लेके। अब आपको अपने डॉक्यूमेंट में जहाँ यूज करना है यूज कर लें, बाकी ये जो नीचे आ रहा है इसको फिर हम यहाँ से फॉर्मेट में जाके यहाँ से क्रॉप कर देंगे और यहाँ से सिंबल को निकाल देंगे, ठीक है, क्लिक कर देंगे। ये रह गया हमारे पास सब सिंबल, इसको डुप्लीकेट करें जैसे भी करें, जितनी बार यूज करें आप अपने डॉक्यूमेंट में यूज कर सकते हैं। इस तरह से आप सिंबल्स को ले सकते हैं, डिफरेंट किस्म का, ऑनलाइन ले लें या फिर इसके अंदर से ले लें। सेफ थी हो ना पाणवट, पिक्चर की सूरत में आप सेफ थी हो, ये पे हो डाउनलोड्स में पे हो, ठीक है। तो ये हमारे पास एक सिंबल्स का तरीका था। अच्छा बात है इसके ऊपर के जो हमारे पास एक ऑप्शन था ये डेट और टाइम वाला, ये आसान है, मतलब इसको भी देखते हैं।